अस्सलाम वालेकुम। एक बंदा एक बादशाह के दरबार में हाजिर होया नौकरी वास्ते, तो बादशाह ने पूछा वह तू के तेरी काबिलियत की है। उन्हें कहा कि मैं सियासी हाँ। सियासी कहते हैं कि जिहड़ा अफहम तफहीम नाल मसले को हल कर लवे उसनों सियासी कहते हैं। अरबी जबान का ये लफ्ज़ है सियासी। अच्छा, उन्हें कुछ दिन पहले तो वो बदमार ही है जो सियासी ने, वो बंदे काफ़ी है। फिर उन्हें इस बंदे जो नौकरी वास्ते आया से इस बंदे उन्हें अपने ना घोड़ियां का जो स्तब लास ना वो दे नौकरी दे दी वो ड्यूटी ला छड़ी, क्योंकि उनका जो इंचार्ज चाह ना स्तबल का वो कुछ दिन पहले ही फोत होया तो असामी खाली ही उन्हें उसनों अपॉइंट कर छड़िया। उस तो कुछ दिन गुजरे तो बादशाह जड़ा ना स्तबल में गया तो उस बंदे पुछद भाई एड़ा मेरा एक खास घोड़ा है, बड़ा ही मनो अजीज है, इस दे मतलब तेरी केयर आए। वो जड़ा साहिब है वो कहता है भाई ये घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह का ना बड़ा तजब होया, बादशाह ने इस गल का ना गुस्सा आया। उन्हें ना जड़ जंगल जूना साइंस को बुला के भेजा, उन्होंने बुलाया जाए वो पूछा गया वह हाँ भाई दस हाँ घोड़ा जड़ा है नस्ली है या नहीं। उसने कहा कि बादशाह सलामत घोड़ा है नस्ली है, लेकिन इन्हें एक गां का दुध पी के ये जवान हो जिस वे ये पैदा होया तो यदि माँ जी मर गई ही तो एक गां का दुध पी के जवान होया जिस वजह तो ये गल जड़ा ना ये फर्क आ जाता है नस्ल। बादशाह ने उस साहब को पूछा भाई ये तनु किवें पता लगे। उन्हें कहा बादशाह सलामत जड़ा घोड़ा जड़ा घोड़ा है ये जिस वे घर खाँदा है तो ये थले मुँह करके खाँदा है गावं की तरह, तो जिस वे जड़ा असली नस्ली घोड़ा होंगे ना वो घा मुँह च लै के तो मुँह उदा चुक लैंदा है फिर उदा करके तो वह खाँदा है। बादशाह इस गल तो बड़ा मुतासर होया, उन्हें आख्या उन्हें ना इस साहब के घर अनाज भी तो दुंबे पुन्ने के इस तरह के ना बड़े कीमती जड़े परिंदे ने उन्होंने गोश्त उस दिन घर भिजवाया। उन्होंने फिर ना उस जड़ा नौकरी वास्ते आया जी बंदा उसनों उन्हें ना बादशाह ने अपने माल में मलका दे कोले ना उन्हें अपॉइंट कर दिया मलका की देखभाल वास्ते। उस बंदे ने कुछ टाइम गुजरिया जिस उत्थे तैनात होया, कुछ टाइम तो बाद बादशाह एक दिन वो पूछता है मलका दे बारे, ए, वो बंदा कहता है बादशाह सलामत ये शहजादी नहीं है। इस गल का भी बड़ा तजब होया बादशाह नूं, बादशाह ने आख्या भाई ये तू की कहना पिया। उस बंदे कहा जी कि मैं सच कहना पिया, जिहड़ी ही मलका उहदे मां नूं बुलाया गया बादशाह का जिहड़ा बादशाह की जिहड़ी सस बनदी उहनूं बुलाया गया, वह पूछा गया हाँ भाई दस हाँ तुहाडी बेटी नहीं। उन्हें कहा बादशाह बाप ने मेरे हामद को जिस वे साड़ी घर बच्ची पैदा हुई सी तो उस वे रिश्ता मंग लिया सी, तो असा साड़ी जड़ी बच्ची अपनी ही ना पैदा हुई वो छः महीनों की होके तो फोत हो गई, असा इस लालच में कि थोड़ी जी बादशाहत वो करीब आने वास्ते असा किसी की बेटी लैके तो पाली तो थोड़ी जी शादी हुई। बादशाह इस गल तो बहुत बड़ा तजब होया, उन्हें आख्या भाई तो बड़ा ही अजीब बंदा इन्हें मतलब बड़े फहमत हो गल दसी है। बादशाह कहता है भाई तेनों किवें पता लगे कि ये जी शहजादी नहीं। उन्हें कहा कि इसका मुलाजमान ना सलूक जड़ा ना जाहिर लाल तो भी वध के भी जिस वजह तो मैं ये अंदाजा लाया कि ये मलका तो है इहदा रख रखाओ लेकिन शहजादी नहीं है। बादशाह ना और इस गल तो बड़ा तजब आया खुश आया, उसने उस मसाहब के घर इनाम के तौर उत्ते पेड़ बकरियां दुंबे इस तरह दिन अनाज वो घर भेजा इनाम के तौर उत्ते। इस तरह कुछ फिर बादशाह ने उन्हों मजीद तरक्की दी, उसनों अपने दरबार के उसनों तैनात कर दिता। जिससे कुछ अरसा गुजरिया तो बादशाह उस साहब को पूछता है बंदे को पूछता है वह मेरे बारे तेरी केयर आए। वो कहता जी जान दी ईमान पावा तो जान दी ईमान पावा फिर गल दसना। बादशाह ने वादा कर लिया वह ठीक है तेरी जान को कोई मसला नहीं।
उन्हें कहा कि तुसी बादशाह नहीं हो। बादशाह को बड़ा गुस्सा लगा इस गल से, लेकिन वह वादा था क्योंकि असी जान दी वा तेन मतलब जान दी मान दी। वो ना अपना थोड़ा मतलब गुस्सा जो घट हो गया सीधा अपनी माँ को पुछता है वह दसवा मैं बादशाह नहीं हाँ। वो माँ बोलती उन्हें आख्या नहीं तू बादशाह नहीं है, साड़ा बेटा फोत हो गया सी ते साड़ी और औलाद को नहीं ते असा तनु किसे दे यानी कि किसे को लैके ते पाले तू साड़ा अपना बेटा नहीं है इस वजह तू तू बादशाह ते नहीं है। वो ना फिर गया उस बंदे कोले उनु कहंदा है यारी तू दस तनु मेरे बारे किस तरह पता लगे वा तू जड़ा है मैं बादशाह नहीं हाँ। उस मसाहब ने कहा भाई जो बादशाह होंगे ना वो इनाम हीरे मोती देता है।